सर, आज जो प्रोग्राम में हमने अमृत सर ने इनवाइट किया उसको स्पेशली हार्टली थैंक यू। एंड उन्होंने आज एक नया संडे टू संडे फेडरेशन जो फाउंडेशन स्टार्ट किया है उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। और आज जो हमने 8 मार्च को वुमेंस डे बोलते हैं, पर आज ऐसा ही लग रहा है कि कंटिन्यू 8, 9, 10 से हम लोग वुमेंस डे ही मना रहे हैं, यानी कि हमारे घर में। आई एम नम्रता शाह, आई एम ब्यूटिशियन, फ्रीलांसर। मेरे लिए कुछ भी मेरे लिए काम रहेगा तो बोलूँ। और रही बात एक नारी की, तो नारी के लिए सबसे ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। उनको और कुछ नहीं चाहिए रहता है, भले ही वो घर में रहे या घर के बाहर रहे। मनी इम्पोर्टेंट सबके लिए रहता है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक नारी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। तो चाहे अपने घर में हो या घर के बाहर हो, एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे तो सब सही तरीके से ही गाड़ी चलेगी, चाहे कोई भी गाड़ी चलाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। संडे टू संडे फाउंडेशन जो ये मैंने शुरू किया है, आज महिला नारी शक्ति का सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया था, उसी में इनॉग्रेशन किया विधायक रई शेख ने, और काफ़ी सारी महिलाएं थी, सारी के सबके आशीर्वाद से ये फाउंडेशन शुरू हुआ है। और इस फाउंडेशन का मेन मकसद ये है कि जो हमारे सिटी है भिवंडी सिटी, वो बहुत काफ़ी पोल्यूशन वाली सिटी है। इस सिटी को मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए ग्रीन सिटी बनाने का मेरा एक सपना है कि लगभग 5 साल या 10 साल के बीच में इतने पेड़ यहाँ पर भिवंडी शहर में लग जाने चाहिए संडे टू संडे फाउंडेशन के द्वारा, जिससे लोगों को सांस लेने में आसानी हो और अच्छा रहे। और ये मैं अभी काम शुरू करने वाला हूँ जल्दी कि जल्दी। तो मैं संडे टू संडे फाउंडेशन जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है उसके जो फाउंडर है अमृत जी, उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज उनका फाउंडर यानी आज जो फाउंडेशन रखा है उसके लिए आज उन्होंने पहले नारी का सम्मान किया है। नारी का सम्मान किया है यानी हमारे माता का सम्मान होता है, हमारी बहन का सम्मान होता है। आज यहाँ पे बड़ी मात्रा में नारी जो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आई थी, कोई डॉक्टर था, कोई शिक्षक है, कोई समाज कार्य में काम करते हैं, कोई पॉलिटिकल काम करते हैं, हर क्षेत्र से यहाँ पे नारी आई थी। उन सभी का सत्कार किया गया है, उन सबको यहाँ पे एक मोमेंटो दिया गया है। तो अमृत जी, आपको ऐसे कार्य आप करते रहे, उसके लिए आपको भगवान शक्ति देते रहे, और आपको आगे के आपके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम। इसमें कोई भी ऐसा फेल ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें तो हम खुद ही फेल अपने आप को बताएंगे। क्योंकि पेरेंट्स ने पहले तो बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जो लड़की जा रही है उसको सम्मान करो, ये लड़कों को सिखाना चाहिए, और लड़की को ये सिखाना चाहिए कि तू खुद एक शक्ति है तो तू अपनी रक्षा खुद कर, ये भी उन्होंने सिखाना चाहिए। पेरेंट्स ने सिखाना चाहिए कि मुझे किसके साथ अच्छा है तो वहाँ पर जाना, और नहीं किसके साथ अच्छा तो यहाँ पे नहीं जाना, ये हमको सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को। ये संस्कार हम दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता हो, सही है। फ्रेंड्स, मैं हूँ सनी अग्रवाल, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फैशन इन्फ्लुएंसर, एक्टर बॉलीवुड से, और बहुत ही अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया अमृत शर्मा, हम पत्रकार है और मीडिया से संडे टू संडे टाइम्स के ओनर है, एडिटर है, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति क्या होती है वो आज हमें उन्होंने दिखाया, वुमेंस डे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया और अपनी फाउंडेशन को भी उन्होंने यहाँ पे आज लॉन्च किया। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मानसी तन्ना, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। आज अमृत जी ने हमको यहाँ पे इन्वाइट किया, सो आई एम ग्लैड एंड बहुत अच्छा लगा, इतना सम्मान मिला उनसे, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है, और आज के दिन उन्होंने अपना फाउंडेशन का ये किया है, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत।